दो सूत्रीय मांगों को लेकर 55 दिन से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल कर अपनी मांगों को लेकर अड़े मनरेगा कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित कराने वादा निभाओ रैली निकाली। छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अपनी दो सूत्री मांग को लेकर लगातार 55वें दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे। इसके चलते शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपनी ओर ध्यान आकृष्ट कराने वादा निभाओ रैली निकालकर दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार मनरेगा कर्मियों की नियमितीकरण सहित दो सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए 7 सदस्य कमेटी बनाई गई। उसके बाद भी अब तक शासन की ओर से किसी तरह का कोई भी रुझान नहीं आने से नाराज मनरेगा कर्मचारियों ने लगातार 55वें दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सरकार से वादा निभाओ का नारा लगाते रहे। इसी कड़ी में सभी मनरेगा कर्मचारियों ने पंडाल स्थित पैदल मार्च निकालकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस संबंध में ग्रैंड एशियन न्यूज को मनरेगा कर्मचारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। पहला मांग नियमितीकरण का है और दूसरा मांग रोजगार सहायकों का ग्रेड पे लागू कर देंगे, 1966 सिविल अधिनियम लागू कर देंगे। हमारी सरकार से यही निवेदन है, हमारी जो मुख्यमंत्री महोदय हैं वो छत्तीसगढ़िया हैं और हम लोग भी छत्तीसगढ़िया ही हैं और उनकी ही बेटे बेटी हैं और हम लोग 15 साल से बहुत ही कम वेतन में काम कर रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए ग्रेड पे लागू करें और जो हमारी प्रांतीय टीम डेलीगेशन के लिए जाती है उनसे मुलाकात करें और वो लोग जो बात बता रहे हैं उसमें आपको 1% शासन को 1% भी बिजली भार नहीं पड़ेगा, जो मनरेगा का फंड है उसी में सब कुछ समायोजित हो जाएगा, तो वो कम से कम उन वो जो बोल रहे हैं उनके आधार पर आप हमें नियमित करें। दो सूत्री मांग को लेकर आज रैली निकाल रहे हैं और शासन को अपना वादा निभाओ, क्योंकि हम लगातार अपने मांग को नियमितीकरण है और ग्रेड पे निर्धारण है ये और 1966 नियम लागू करना है पंचायत नियमावली, उस मांग को लेकर लगातार आज 55 दिन हो गए हम लोग को हड़ताल करते, लेकिन शासन अभी तक हमारे प्रति कोई जागरूकता नहीं लाए हैं, जिसके कारण हम वादा निभाओ रैली लेकर कलेक्टर ऑफिस तक अपना रैली लेकर चलेंगे। हमारी जो मुख्य मांगों को लेकर जो अनिश्चितकालीन धरना जो चल रहा है उसका आज 55वां दिन है और अभी तक से किसी भी प्रकार से जो गठन गठित हुआ है हमारे लिए समिति गठित हुई है उसके तरफ से किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है, एक कागज भी नहीं हिला अभी तक से, जिसके कारण आज हमारा 55 दिन हो चुका है। हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को यही बताना चाहते हैं कि आज जो धरना आज अनिश्चितकालीन चल रही है इसके जिम्मेदार हम नहीं है, आपके प्रशासनिक अमला है जिनको आपने गठित करने के लिए कहा था, उन्होंने अभी तक 1% का भी एक कागज भी इधर से उधर नहीं किया है, जबकि उनको जो जो डेटा चाहिए था जो जानकारी चाहिए था प्रांत की टीम ने उनको दे चुकी है। देखिए सर, अभी हम लोग अनिश्चितकालीन में हैं लेकिन फिर भी हमारे प्रांतीय टीम अलग अलग रूपरेखा तैयार कर रही ताकि शासन को ये बताए कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। प्रशासन ही नहीं चाह रही है कि हम रेगुलर हो, क्योंकि उनका कहना ये है कि अगर हम 1966 लागू करते हैं या हम रेगुलर हो जाते हैं तो हमसे वो काम नहीं ले पाएंगे जो अभी तक ले रहे थे, जो डर जो बल के साथ जो हमसे काम कराया जा रहा था वो नहीं हो पाएगा, ये उनका कहना है स्पष्ट तौर पर। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।